भूखा घोड़ा। एक बार कृष्णदेव राय ने अरेबिया से बहुत घोड़े खरीदे। वो अपने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा देखभाल करने देना चाहते थे। उन्होंने 3 सोने के सिक्के घोड़े के पालन के लिए देना तय किया। रामन, तुम्हारा घोड़ा ले लो, ये 3 सोने के सिक्के ले लो और घोड़े को मजबूत और स्वस्थ बनाओ। रामन को मिलाकर कोई भी नागरिक घोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा कष्ट होता। रामन ने राजा को एक पाठ सिखाना चाहा, एक योजना बनाई। हाँ महाराज, मैं घोड़े का अच्छी तरह से पालन करूंगा। रामन ने घोड़े को एक कमरे में रखा जिसमें केवल एक छोटा सा छेद था जिससे वो उसे खाना दे सके। दिन में एक बार छेद के द्वारा घोड़े को खाना दिया जाता था। भूखा घोड़ा उस छेद से जो भी दिया जाता उसे खाने के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने सभी नागरिकों से घोड़े राजमहल में लाने के लिए कहा। राजा घोड़ों को देखकर संतुष्ट हुआ। बहुत अच्छा, सभी घोड़े मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है रामन, तुम उसे नहीं लाए? क्षमा कीजिए महाराज, मैं घोड़े को यहाँ नहीं ला सका, मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्या हुआ, क्या तुम्हारी देखभाल में घोड़ा इतना मजबूत हो गया? हाँ महाराज, क्या आप घोड़ों की देखभाल करने वाले को मेरे घर भेज सकते हैं ताकि घोड़े को यहाँ ला सके? हाँ, मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। तुम इस मजबूत व्यक्ति को घोड़ा लाने के लिए ले जा सकते हो। रामन घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने घर ले गए। लंबी दाढ़ी रखने वाले उस आदमी ने छेद से अंदर झांक के घोड़े ने उसकी दाढ़ी को खाने की वस्तु सोचकर उसे खींचा। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। बहुत मुश्किल से घोड़े को राजमहल में लाया गया। घोड़ा बहुत ही कमजोर और पतला हुआ था। घोड़ा इतना कमजोर और पतला कैसे हुआ रामन? तुमने उसे ठीक से खाना नहीं दिया। लगता है सोने के सिक्के तुमने अपने लिए खर्च किए हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आपने अपनी प्रजा को घोड़े पालने के लिए देकर उन पर बहुत अन्याय किया है। बहुत सारे नागरिक अपने लिए खाना भी नहीं जुटा सकते और आपने उन्हें घोड़े पालन करने का जिम्मा दे दिया। संतुलित भोजन न मिलने से हमारे देश में कितने लोग कमजोर हैं, इसका ये घोड़ा एक नमूना है। तुम्हारी बात योग्य है, मैं अपनी भूल समझ गया रामन, मैं नागरिकों पर और भार नहीं डालूंगा। राजा ने सभी घोड़ों को वापस ले लिया और सभी नागरिकों को सोने के सिक्के दिए।